हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था हमारे पास मेथड ऑफ एट्रेशन, और इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं। पहले लेट एक्स जीरो बी एन अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स बराबर जीरो। कोई हमारे पास इक्वेशन है एफ एक्स बराबर जीरो, उसका एक्स जीरो कोई रूट है, यानी कि एक्स एफ एक्स जीरो बराबर उस पर जीरो आ रहा है। इफ़ एक्स वन बराबर एक्स जीरो प्लस एच सच दैट एफ एक्स जीरो प्लस एच इक्वल टू जीरो, यानी कोई एच एक हमारे पास कॉन्स्टेंट है और इस तरह से एच काफ़ी छोटा होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, एफ एक्स जीरो प्लस एच इक्वल टू जीरो, देन एफ एक्स जीरो प्लस एच बराबर है, ये फ्रेंड्स टेलर सीरीज की एक्सपेंशन से हम लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स जीरो प्लस एच एफ डैश एक्स जीरो प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स जीरो प्लस डॉट डॉट, चलते हुए इस तरह से जाएगा फ्रेंड्स। बट हम देखते हैं, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया है, बट हम देखते हैं जो एच होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ये जैसे 0.01 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, ये काफ़ी छोटा होता है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि एच स्क्वायर और भी छोटा जाएगा, एच क्यूब और भी छोटा जाएगा, तो उस कंडीशन में हम एच स्क्वायर एवं उससे हाई पावर वाले टर्म को छोड़ देते हैं। तो उन टर्म को छोड़ दिया, अगर हम फ्रेंड्स उन टर्म को भी लें तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है और ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली सॉल्यूशन मिलता है, और अप्रोक्सीमेट मिलेगा, ज़्यादा अप्रोक्सीमेट मिलेगा, बट जैसे क्योंकि कैलकुलेशन लेंथ हो जाती है तो इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हमने बाय नेगलेटिंग एच स्क्वायर एंड हाइयर पावर ऑफ एच सिंस एच इज स्मॉल। अब फिर एच बराबर यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास जीरो के इक्वल है, तो ये एच बराबर क्या जाएगा, एच बराबर पहले इधर ले गए तो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैस एक्स जीरो ये हो गया। तो फिर एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स जीरो एक्स वन बराबर क्या था अपने पास, ये था एक्स जीरो एक्स वन बराबर एक्स जीरो प्लस एच, यहाँ पे एक्स जीरो की वैल्यू एच की वैल्यू पुट की तो एक्स वन बराबर आ गया एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैस एक्स जीरो। सिमिलरली एक्स टू बराबर आ जाएगा हमारे पास एक्स वन माइनस एफ एक्स वन अपॉन एफ डैस एक्स वन। इन जनरल में हम अगर देखें तो एक्स एन बराबर होता है एक्स एन माइनस वन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन अपॉन एफ डैस एक्स एन माइनस वन। अब फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं, वो है हमारे पास दिस मेथड इज यूजफुल टू केस ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, फॉर लार्ज वैल्यू एफ डैश एक्स एच इज वेरी स्मॉल। फिर अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू लार्ज होगी तो एच स्मॉल होगा, क्योंकि देख सकते हैं हम यहाँ पे एच में जो रिलेशन है वो है हमारे पास एच बराबर एफ एक्स एफ डैश एक्स सॉरी एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो, ये लार्ज होगा तो एच ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा क्योंकि ये इससे छोटा होगा। और उसके बाद हमें न्यूटन फार्मूला कन्वर्ज प्रोवाइडेड एक्स जीरो इज चूजन सफिशेंटली क्लोज टू द रूट कंपेयरिंग विद द एट्रेशन मेथड वी गेट। अब एट्रेशन मेथड से कंपेयर करते हैं तो फिर एट्रेशन मेथड में क्या था, फाइव एक्स बराबर हम निकाल रहे थे एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएशन करें फाइव एक्स का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा वो आएगा एफ एक्स डॉट एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन सिंपल है, आप कर सकते हो। उसके बाद आता है अपने पास सिंस फाइव डैश एक्स इज लेस देन वन, क्योंकि मेथड ऑफ इटरेशन में हमने पढ़ा था कि जो फाइव डैश एक्स होता है ऐसा हम चूज करते हैं फाइव डैश फाइव एक्स कि उसके लिए फाइव डैश एक्स लेस देन वन हो। तो अगर ये हमारे पास कंडीशन है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास का मोड लेस देन इक्वल टू वन होगा, यानी कि एफ एक्स डॉट एफ डैश डबल डैश एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। अब एक एग्जांपल पढ़ते हैं फ्रेंड्स, फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव वेयर एक्स जीरो बराबर थ्री, एक्स जीरो हमारे पास दिया हुआ है तो हमारे पास इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकालना है। तो फिर एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव दिया हुआ है, तो पहले एफ डैश एक्स निकालना जरूरी है क्योंकि हमारे पास उसमें फॉर्मूले में क्या था हमारे पास एच बराबर एच निकालना जरूरी है, तो एच बराबर क्या था हमारे पास माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो, यानी कि एफ डैश निकालना पड़ेगा हमें, तो एफ एफ डैश निकाला तो वो आएगा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो ये आ गया एफ डैश एक्स। उसके बाद एफ एक्स जीरो यानी एफ थ्री पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो एफ थ्री पर वैल्यू इसकी थर्टीन आ जाएगी, एफ डैश थ्री पर वैल्यू इसकी ट्वेंटी फोर आ जाएगी फ्रेंड्स। तो एक्स वन बराबर रिलेशन क्या था एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो बराबर थ्री माइनस थर्टीन अपॉन ट्वेंटी फोर, यानी थ्री माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर वन सेवन इक्वल टू टू फोर सॉरी 2.4583 ये प्रॉब्लम इसका वो आ जाएगा। अब फिर से इसके कुछ और भी हमारे यूज है हमारे पास वो पढ़ते हैं, यूज एन न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द इटरेटिव फार्मूला टू कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ द नेचुरल नंबर एन।
किसी भी नेचुरल नंबर एन का रेसिप्रोकल निकालने के लिए फॉर्मूला निकालना है। और जो फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन में चलते हैं सब कुछ। लेट एक्स बराबर वन बाई एन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपली एन का इधर मल्टीप्लाई करो तो एन अपो बराबर वन बाई एक्स, या एन माइनस वन अपोन एक्स बराबर जीरो। तो एफ एक्स इसको ले लिया एफ बराबर एक्स माइनस वन बाई एक्स। उसके बाद फ्रेंड्स एफ 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 ले लिया तो हमने एफ डैश निकालना है, यानी इसका हमें इसका एफ एक्स का ये जो एफ एक्स आया है इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर वन अपॉन एक्स स्क्वायर यूजिंग न्यूटन रैप्सन फार्मूला। न्यूटन रैप्सन फार्मूला यूज करके एक्स एन प्लस वन बराबर क्या होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक्स एन माइनस एफ एक्स एन क्या होगा एन माइनस वन अपॉन एक्स एन, और एफ डैश एक्स एन यहाँ से तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स एन स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो रिलेशन आया वो है हमारे पास एक्स एन अपॉन एक्स एन टू माइनस एन एक्स एन विच इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला टू फाइंड वन अपॉन एन। उसके बाद हमारे पास कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो है हमारे पास टू फाइंड रूट एन इटरेटिव फार्मूला एक्स एन प्लस वन बराबर वन अपॉन टू एक्स एन प्लस एन अपॉन एक्स एन। टू फाइंड वन अपॉन रूट एन, अगर वन अपॉन रूट एन निकालना हो तो द इटरेटिव फार्मूला जो आएगा वो आएगा एक्स एन प्लस वन बराबर वन अपॉन टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन वन अपॉन एन एक्स एन। टू फाइंड रूट थ्री एन या वन बाई थ्री एन बोल सकते हैं इसको, इटरेटिव फार्मूला इज एक्स एन प्लस वन बराबर वन बाई थ्री टू एक्स एन प्लस के अपॉन सॉरी एन अपॉन एक्स एन स्क्वायर। उसके बाद टू फाइंड के रूट एन यानी एन की पावर वन बाई के का इटरेटिव फार्मूला निकालते हैं, तो इटरेटिव फार्मूला हमारे पास इस तरह से दिया जाता है एक्स एन प्लस वन बराबर वन अपॉन के माइनस वन एक्स एन प्लस एन अपॉन एक्स एन की पावर के माइनस वन।